अज आप बेटे जेडे पार्ट बारे जानकारी प्राप्त करनी है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पौद्या के विच पोषण। तो चलो आप शुरू करते हैं। आ देखो ये सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है भी जेडे ग्रीन प्लांट्स है ये ऑटोट्रॉप्स होंगे ने यानी कि ये अपना भोजन आप तैयार कर सकते हैं। हुण तुसी देखो इन्होंने पत्तियां का रंग, इन्होंने पत्तियां का रंग की है ग्रीन। इन्हां दे पत्तियां दा रंग ग्रीन होण दा कारण बच्चे यह है कि इन्हां दे विच जिहड़ा क्लोरोप्लास्ट हुंदा है, क्लोरोप्लास्ट दे विच एक पिगमेंट हुंदा क्लोरोफिल, ठीक है। ये जिहड़ा क्लोरोफिल हुंदा है ये सूरज दे प्रकाश नूं सोखण दे विच बूटे की मदद करता है। तो इस तरह जिहड़ा पौधा हैगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया दे द्वारा अपना भोजन जिहड़ा हैगा वो आप तैयार कर लैंदा है, ठीक है। पर हुण तुसी देख रहे होंगे देखो भी आ भी एक प्लांट है बच्चे, इस प्लांट के विच जिहड़े पत्ते है उन्हां दा रंग ब्राउन है, तो बाकी सारे देखो ग्रीन है, तो कुछ पत्तियां दा रंग की हैगा वह ब्राउन है। तो इन्हां दा ब्राउन रंग बेटे इस करके हैगा क्योंकि इहदे विच इहदे क्लोरोप्लास्ट दे विच जिहड़ा पिगमेंट हैगा वह कैरेटिनॉइड है, ठीक है। तो उसने कैरेटिनॉइड ने क्लोरोफिल नूं जिहड़ा हैगा ढक लिता है। इस तरह आप ये भी देख रहे हैं भी कुछ जड़े बूटे होंगे है उन्होंने पत्तियां का रंग लाल हुंदा है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट करके हुंदा है। तो ये अपनी फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन सीगी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो हुण आप चल रहे हैं सैकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। नैक्सट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटे जिहड़ा हैगा वो हैगा अपना हैटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी। जदों आप परपोषियों की गल करते हैं तो तुसी देख रहे होंगे तुहानू देख के कुछ अंदाजा लग रहा है भी ये की है, ठीक है। तो ये बेटे अमरबेल है, ये परपोषी की सब तो बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो बेटे ये अमरबेल है, ये परपोषी हैटोट्रॉप्स की बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो बूटे के नाल किस तरह ये लिपटी पई है और इहदा रंग देखो की केड़ा कलर है, इसका कलर है येलो, येलो कलर है यानी कि इस दे विच क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट ना होने करके अपना भोजन आप तैयार नहीं कर सकता, ये पैरासाइट है, परजीवी है। ये जिहड़े बूटे ते देखो इस झाड़ी के उत्ते चढ़िया होया सीगा इसे बूटे तो ये अपना पोषण तैयार कर अपना पोषण जिहड़ा हैगा है उसे तो ही सोख लैंदा है। इहदियां देखो हुक्स देखो आ देखो ध्यान नाल आ देखो तुहानू हुक्स नज़र आ रही हैं आ छोटिया छोटिया आह देखो ठीक है तुहानू दिस रही होनी है छोटिया छोटिया हुक्स। ये हुक्स के नाल पौधे तो अपना जिहड़ा हैगा भोजन जिहड़ा हैगा प्राप्त करता है। तो ये बेटे जिहड़ी हैगी है परपोषी की उदाहरण है। हुण बेटे आपां तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करन लगे हाँ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि मृत आहारी पोषण। जिहड़े जीव जिहड़े इस तो गले सड़े मटीरियल तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्होंने आप मृत आहारी जीव कहने हैं। और यदि जिहड़ी बेस्ट एग्जाम्पल हैगी है वह हैगी है उल्ली। तो आ देखो मैं ब्रैड नूं उल्ली लगाई हुई है आ देखो जरा ध्यान दे नाल देखो बरीक बरीक जिहियां रचनावां तुहानू नज़र आ रही होणगियां देखो ये बेटे ब्रैड नूं उल्ली लगी हुई हैगी है। तो ये जिहड़ा हैगा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जे आप माइक्रोस्कोप के अंडर इस डायग्राम देखिए तो ये आपां नूं कुछ इस तरह की दिखाई देगी, आपां नूं इस तरह दी रचनावां दिखाई देनगियां। ये जिहड़े नीचे धागे जैसियां रचनावां ने इहनूं आपां उल्ली तंथाइपी बोलते हैं। तो उपर जिहड़े हैगे ने ये बीजाणुदानी हुंदी है जदों फट जांदे ने तां इहदे स्पोर जिहड़े हैगे ने ओह हवा दे विच बिखर जांदे हन, ठीक है। तो मैं ये देखो तुसी पूरी स्लाइड देखो ये पूरी स्लाइड देख लवो, ठीक है। तो तुहानू मैनू आस है भी तुहानू ये तीनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिहड़े हैगे ने वो समझ आ गए होंगे।